भारतीय समाज की पहचान राम कथा से होती है। भागवत परंपरा में राम न केवल एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि मर्यादा पूर्ण राम भी है। श्री राम भारत में और भारतीयों के मन में जीवित है। पंडित दिवाकर प्रसाद पांडे ने कहा कि श्री राम संस्कृति और भारतीयता के प्रतीक है। न्यू मंगलधाम सोसाइटी में शिव पहाड़ी पर सार्वजनिक शिव मंदिर में पुरुषोत्तम मास निमित्त मंगलवार 18 जुलाई से बुधवार 16 अगस्त तक अखंड रामचरित मानस पाठ पंडित श्री राम बहोरी महाराज शौदाधाम मेहर द्वारा 11 पंडितों के साथ मधुर स्वर में रामचरित मानस की शुरुआत की। 18 जुलाई मंगलवार को सुबह 10 बजे सबसे पहले गणेश पूजन, पंचांग पूजन, राम दरबार पूजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बजरंग बली भक्तगण वाड़ी सार्वजनिक शिव मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वाड़ी क्षेत्र के सैकड़ों भावी भक्तगण प्रमुखता से भाग ले रहे हैं। जय श्री राम। सावण मास में सावण महीने में पुरुषोत्तम मास एक पवित्र मास है, जिसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ 30 दिन का रखा गया है। इसमें सभी भक्तगणों ने अपना सहयोग दिया है और सभी लोग आकर के अपना यजमान बन करके अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। प्रतिदिन रामचरित मानस का पाठ हो रहा है, उसका नित्य श्रवण करें और फायदा उठाएं। सार्वजनिक शिव मंदिर ट्रस्ट न्यू मंगलधाम सोसाइटी के इस पावन पर्व पर अखंड रामचरित्र मानस पाठ पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिनांक 18 जुलाई से 16 अगस्त तक एक माह प्रतिदिन रामचरितमानस वाचन 24 घंटे पंडित श्री राम बहोरी महाराज व 11 पंडित के सहयोग से यहां पर पाठ गायन किया जाता है। पंडित जी शारदा धाम मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश से हमारे इस वाड़ी शहर में उपस्थित होकर इनके अर्थक प्यासे इनके प्रेरणा स्रोत से पंडित श्री दिवाकर प्रसाद पांडे वाड़ी इनके अथक प्रयास से यहाँ पर और वाड़ी शहर हनुमान भक्तगणों की के सहयोग से व वाड़ी के सहयोग से शिव मंदिर के सहयोग से यहाँ पर अखंड रामायण चरित्र पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी वाड़ी शहर के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर राम कथा का श्रवण ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस रामचरितमानस का लाभ ले रहे हैं। 17 अगस्त को भव्य महाप्रसाद इस शिव मंदिर के पावन धरती पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। सार्वजनिक शिव मंदिर न्यू मंगलधाम सोसाइटी में रामचरित मानस का पाठ एक महीना आधिक मास के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये जो आधिक मास होता है 3 साल के बाद में एक महीने का होता है, हम लोगों को बड़े भाग्य से सावन महीने में ये आधिक मास मिला। बाड़ी में सभी हनुमान जी भक्त प्रेमी के द्वारा शिव मंदिर में रामचरित मानस का पाठ एक महीने का आयोजन किया गया है। यहाँ पे माँ शारदा से आए हुए सभी ब्राह्मणों को बुला करके रामचरितमानस का पाठ एक महीने का आयोजित किया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी भगवान प्रेमियों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पे भगवान का रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करें। और इसके उपरांत में 17 तारीख को भव्य महाप्रसाद आयोजन किया गया है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आकर के प्रसाद को ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ श्रवण करने के लिए आने क्या मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। भगवान के प्रति भगवान का प्रेम बढ़ेगा। और इसी के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। NBC न्यूज़ के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।